और हम बनाएंगे आज फ्राइड कोफ्ते। आप फ्राइड कोफ्ते आप स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी फ्राइड कोफ्ते। फ्राइड कोफ्ते के लिए आपको लेना है, हम लेंगे चिकन का कीमा 1/2 kg। याद रखिएगा, चिकन का कीमा खाली चिकन के सीने का नहीं यूज़ करना है आपको, आपको लेग और ब्रेस्ट दोनों का मिला के लेना है 1/2 kg, 1 पाव 1 पाव, ठीक है। अच्छा, इसका आपको एक मसाला पीसना है, वो मसाले में क्या क्या है आप और से सुनिए। 1 प्याज, ठीक है, मोटी मोटी चॉप कर लो। उसके बाद में आपको इसमें 10 जवे लहसुन के डालने हैं, हरा धनिया 4 टेबल स्पून, छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें 6। उसके बाद में हमने इसमें शामिल करना है नारियल 1/2 कप, समझ आ गया। इन सारी चीज़ों से आपने ये पेस्ट बन गया। ये देख, नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसके बाद में प्याज, लहसुन, ये सब इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। अब कीमा चॉपर में डाल रहा है और ये पेस्ट जा रहा है, बाकी की जितनी चीज़ें लिखी हैं वो जाएंगी, आप देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? ठीक, आज तो आपकी छुट्टी है ना बर्थडे की। वेरी फनी। छुट्टी करो यार, आज बर्थडे है। आपने की थी अपने बर्थडे पे छुट्टी अप्रैल में? देखो, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए आना पड़ा। अरे मिलते हैं सबको लाइव 3:30 बजे। हाँ, आज तो है आपका लाइव। आई नो, जस्ट किडिंग कि चलो कर लो, मैं दे रही हूँ ना छुट्टी, कर लो। अरे वाह, क्या बात है आपकी तो। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके मेरी जान, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। आज जनक की बर्थडे है। अच्छा जी, ये पूरा मसाला इसमें चला गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। एक अंडा चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ब्लैक पेपर, इटालिया का ब्लैक पेपर जाएगा 1/2 टीस्पून। हल्दी, चिली पाउडर, हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, ज़्यादा तेज पसंद है 1-2 डाल दीजिए, कम पसंद है 1 डाल दें, ठीक है। मैंने अबाउट 1 से 1.5 डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी डबल रोटी की स्लाइस, बड़ी वाली, और अगर छोटी है तो 2 डालेंगे। और भुना हुआ बेसन, रोस्टेड। अब आप लोगों को पता नहीं होगा 1/3 कप कितना होता है, नहीं पता ना, चलें लिखें 1, 2, 3 and 4, 4 टेबल्स।
1/3 का 4 टेबलस्पून बेसन लेकिन भून के, ठीक है। नमक 1 टीस्पून हीप्ड, सब कुछ चला गया, तेल डाला था, अच्छा हरा धनिया तो उसमें पिस गया, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पीस लें, बॉल्स बनाएंगे और डीप फ्राई सर्व करेंगे विद एनी नाइस चटनी और फ्रेश पीपी में उसे करूँगी हॉट एंड स्पाइसी केचप के साथ और कचुम्बर सैलेड, अच्छा सा कोई भी कचुम्बर प्याज खीरा काट के। परफेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा है तो मैं इसमें दूसरी स्लाइस भी डालती हूँ। अगर आपको भी लगे ना पतला कीमे में शायद पानी होगा तो आप दूसरी स्लाइस डाल दो, बिकॉज आपको उसको हैंडल करना है फ्राइंग के लिए। अब आप अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे और हम कढ़ाई में डालेंगे, लेकिन प्लीज ख्याल रखिएगा जब फ्राई करें कि एक के ऊपर एक बॉल्स नहीं आने चाहिए। बहुत ऐसे खाने में मुलायम होते हैं, अंदर से मुलायम और ऊपर से क्रंची। चलें जी, छोटे छोटे और इस क्वांटिटी में आराम से 2 dozen बन जाएंगे आपके, अगर आप इतने छोटे बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे 20 बन जाएंगे। और प्लीज़ हमेशा जो आप लोगों को एक बात बताती हूँ वही कह रही हूँ फिर से कि इसको आपको चम्मच नहीं डालना है जब तक ये वेल डन ना हो जाए। ब्रेक आ गई है जी,
हम इसको इधर फ्राई करते जा रहे हैं, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ये देखिए फ्रेश ट्रीट की थाई चिली सॉस के साथ, जो आई लव दिस सॉस, स्वीट वाली, इसके साथ आप इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी एक रेसिपी मुकम्मल हो गई है।